सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। यूपी बोर्ड के 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए दरअसल ये खबर सामने आ रही है कि बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोविड 19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और बस अब से कुछ ही देर में ये अहम बैठक होने वाली है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी है। क्या आज केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई गाइडलाइंस जारी कर सकती है? एडवाइजरीज इशू हो चुकी हैं आईएमए की तरफ से भी और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी, लेकिन क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा? जहां तक कि केंद्र सरकार का सवाल है तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि कोविड 19 के जो तमाम प्रोटोकॉल्स थे, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अगर जरूरत ना हो तो यात्रा ना करना और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, इन सब का पालन तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना और जापान में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते भारत में भी अलर्ट मोड पर रहना यानी सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। इस वक्त आप देखिए ये 6